हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के कितने पोल की होती है और कैसे क्या क्या डिफरेंस है इसमें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के डायग्राम और इंटरनल डायग्राम बताया था कि कैसे काम करती है, और उसका प्रैक्टिकली भी मैंने आपको ग्लास रिले एक दिखाई थी कि इस तरीके की ग्लास रिले होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं SP यानी कि सिंगल पोल, DP यानी कि ड्यूअल पोल एंड TP यानी कि ट्रिपल पोल। इसमें फोर पोल भी होते हैं दोस्तों, ये मैंने लिखना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, फोर पोल भी होती है इसमें। तो आप फिलहाल मैंने तीनों के डायग्राम भी बनाए हैं इसमें। आप देखिए, SP मतलब सिंगल पोल रिले के बारे में मैं आपको ये डायग्राम बनाया है, ये हम देख लेते हैं। इसमें जो A1 और A2 है दोस्तों, ये कोई भी रिले हो फ्रेंड्स, ये चाहे कोई कॉन्टैक्टर हो या रिले हो, अगर यहाँ पर A1 और A2 की बात आती है यानी कि वो कॉयल का है यानी कि सप्लाई को, तो इससे ही रिले ऑपरेट होती है। तो ये हमारी कॉयल की सप्लाई का A1 A2 ही होता है मेरा। तो ये तो हो गए दो टर्मिनल आपके सप्लाई के। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके कॉन्टैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये इसके कॉन्टैक्ट हो गए, इसमें एक कॉमन कॉन्टैक्ट हो गया, एक NC कॉन्टैक्ट हो गया और एक NO हो गया, यानी कि जो NO का मतलब नॉर्मली ओपन, NC नॉर्मली क्लोज। कॉमन में जो भी हम सप्लाई देंगे, जब ये एनर्जाइज होगी सप्लाई उधर ही चेंज हो जाएगी। तो ये तो हमारा था दोस्तों SP यानी कि सिंगल। अब हम डबल के बारे में बात करते हैं, हमारा DP डबल पोल के बारे में। इसमें हमने देखा था कि सिंगल वाले में एक कॉमन है, एक NC एक NO, यानी कि टोटल अगर हम टर्मिनल की बात करें तो तीन ये हो गए और दो ये, 5 टर्मिनल की अगर रिले है तो यानी कि वो सिंगल पोल है, अगर 5 टर्मिनल टोटल रिले के अंदर है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको ये चीज़। अभी हम डबल के बारे में बात करते हैं। डबल में ऐसे ही कॉयल हमेशा एक ही रहेगी, A1 A2 ये कॉयल हो गए दो टर्मिनल। इसमें डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसमें हमारे दो कॉन्टैक्ट हो गए, हम दो अलग अलग कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। इसमें देखिए, एक कॉमन NO NC, ऐसे ही दूसरे में भी कॉमन NC NO, यानी कि डबल पोल, यानी कि दो इसमें कॉन्टैक्ट हम रेगुलर ले सकते हैं एक साथ, इसलिए इसका मतलब डबल पोल। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। ऐसे ही ट्रिपल पोल की बात करेंगे, ऐसे ही ट्रिपल पोल में देखिए A1 A2 ये कॉयल वही रहेगी, और बस ट्रिपल का मतलब तीन कॉन्टैक्ट, यानी कि तीन कॉमन, तीन NO और तीन NC, ये सेपरेट है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है, ये देखिए, ये इसका एक हो गया, एक कॉमन, इसका ही कॉमन, इसका ही NO और इसका ही NZ, इसके टर्मिनल नंबर लिखे होते हैं रिले के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, समझाने के बाद कि टर्मिनल कैसे हम चेक करते हैं कि इसका कॉमन का इसी का कैसे है। ये डायग्राम से इसके रिले के बेस के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बेस के ऊपर लिख रहते हैं रिले के, तो उससे हमें पता चलता है कि हमने वायर कहाँ जोड़नी है। तो ऐसे ही सिंगल एक ही हो गया, ऐसे ही एक हमारा ये हो गया, ठीक है, और जो तीसरा बचा ये, तो यानी कि ये तीन पोल की होगी, तीन अलग अलग तीन कॉन्टैक्ट हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसी फोर पोल की भी होती है फ्रेंड्स, अभी मैंने डायग्राम तीन का ही बनाया है, ऐसे ही सेम 1 2 3, ऐसे ही फोर पोल के भी हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि हम कैसी दिखने में होती है और कैसे इसके पॉइंट होते हैं। अभी ये ग्लास रिले दोस्तों एक ही तरीके की नहीं होती, अगर सोचो मैं जो दिखा रहा हूँ वही रिले है, बहुत टाइप की होती है, अलग अलग कंपनियों की, सबके मॉडल अलग होते हैं। तो अभी कुछ मेरे पास है मॉडल, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। अभी हम पहले सिंगल पोल के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल पोल हमारी इन पॉइंटों से, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि पॉइंट से पता चल जाएगा कि हमारे कितने पोल की रिले है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, पेपर पे भी बताया था, हम यहीं पे इसको भी ले लेते हैं कि हमारा 1 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी 5 पॉइंट, यानी कि सिंगल पोल। तो ये हमारी सिंगल पोल रिले है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर डायग्राम मैंने बताया था आपको कि डायग्राम इसी के ऊपर बना होता है कनेक्शन का। ये ओनली रिले है फ्रेंड्स, तीनों मैंने रिले ले रखे हैं, इसका बेस नहीं लिया हुआ है, उसके बेस पे नंबर दिए होते हैं, यही नंबर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए सभी रिले पे A1 A2 यानी कि कॉयल की सप्लाई 4 और 5, देखिए 4 पे पॉजिटिव का मार्क है, ये देखिए नेगेटिव 5 का, ये कॉयल की सप्लाई है। ऐसे ही ये NO पॉइंट है एक नंबर, दो नंबर NC पॉइंट है और तीन नंबर कॉमन पॉइंट है,
ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें डायग्राम इसके बेस पे टर्म ऐसे ही नंबर ले होंगे, उसी हिसाब से हम वायरिंग कनेक्ट करेंगे। ये तो होगी सिंगल पोल, अब मैं आपको डबल पोल दिखाता हूँ। इसमें एक ऐड फैसिलिटी भी है फ्रेंड्स, इसमें मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं हम इस रिले के अंदर। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, इसको हम अगर ऊपर उठाएंगे ऐसे ये, तो ये मैनुअली ऑपरेट हो जाती है। इसको अगर मैनुअली ऑपरेट करनी हो कॉइल के बिना सप्लाई दिए, तो हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इसको वापस कर देता हूँ ये, ठीक है फ्रेंड्स। हम दो फ्रेंड्स, ये दूसरी रिले मैंने ली है, देखिए इसमें हम पॉइंट गिनते हैं, पॉइंट कितने हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 पॉइंट। ये देखिए अब डबल पोल पे आते हैं, यहाँ पे ये डबल पोल रिले जैसे हमने बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पॉइंट हो गए। इससे हमें पता चल जाएगा ये डबल पोल की, यानी कि दो कॉन्टैक्ट है इसमें, दो तो कॉयल के हो ही गए आपके, बाकी बचे जो 6 पॉइंट, ये देखिए कॉयल के अलग ही दिखाई देंगे आपको, ये कॉयल के हैं दो अलग, जो एक साथ हैं सब, वो 6 पॉइंट वो आपके कॉन्टैक्ट के हैं, तीन इसके अलग अलग के, तो 6 पॉइंट का मतलब है डबल पोल ये, अगर इसके अलावा टोटल 8 होंगे अगर, तो इसमें भी ऐसे ही दोस्तों फ्रेंड्स। ये देखिए इसका डायग्राम जैसे अभी मैंने उसमें दिखाया था, ये देखिए थोड़ा सा ये क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये कॉयल की सप्लाई आपकी, ये देखिए कॉयल का सिंबल बना हुआ है फ्रेंड्स, इससे आपको पता चलेगा कॉयल की सप्लाई 1 पे और 8 पे है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा ऐसे ही इसमें दिया हुआ है कि ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जैसे मैंने अभी बताया कॉयल के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा 2, 3 और 4 ये पॉइंट है, एक ये हो गए, और 5, 6 और 7 ये 3 पॉइंट ये हो गए, यानी एक हमारा कॉमन एनो एनसी हो गया और एक इसमें ये हो गया। इसमें से हमें अगर पता चलाना है कि कॉमन कौन सा है एनो कौन सा है, तो हम ड्राइंग से भी पता चल जाएगा। कॉमन हमारा 3 नंबर है, ये देखिए जो 2 नंबर के साथ शॉर्ट हुआ है, ये देखिए 3 नंबर 2 में, इन 3 नंबर हमारा कॉमन है, 2 नंबर हमारा NC है, और देखिए ये ओपन है, तो 4 नंबर हमारा NO है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी 6 नंबर हमारा कॉमन है सेंटर वाला, और 7 नंबर हमारा NC है, और 5 नंबर हमारा NO है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही हमारा डबल पोल भी क्लियर हो गया, ऐसे ही 3 पोल वाले भी, 3 पोल भी मैं दिखा देता हूँ आपको अभी इसका रिले। ये देखिए ये 3 पोल की रिले है, इसमें हम देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि 2 A1 A2 के पॉइंट हो गए, और इसमें 3 कॉमन, 3 NO और 3 NC हो गए, तो यानी कि हमारे कितने हो गए ये, हमारे इसमें 11 टर्मिनल हो गए हैं, एक कॉन्टैक्ट में 3, तो 3 कॉन्टैक्ट है तो 9 कॉन्टैक्ट हो गए, 9 टर्मिनल हो गए, 2 ये, तो 11 पिन हो गई। तो अगर हमारी 11 पिन की रिले है, देखिए इसमें गिनते हैं, हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखिए 11 पिन की रिले है, इसका मतलब हमारी ये 3 पोल की रिले है, 3 पोल की रिले है। तो इसी में भी ऐसे ही सेम दोस्तों डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लियर लिखा है 2 और 10 में, ये देखिए कॉयल दिए हुए, कॉयल दिखा का इंडिकेशन दिया हुआ है कि 2 और 10 में हमें सप्लाई देनी है, जो कि कॉयल में मैंने आपको बताया था A1 A2, यानी कि उसके अलावा ये देखिए 1 नंबर कॉमन है, इसका कॉन्टैक्ट देखिए किससे बन रहा है, कॉन्टैक्ट देखते हैं, ये देखिए 1 नंबर और 5 नंबर हमारा NC है, इसका कॉन्टैक्ट इससे बन रहा है, तो 5 नंबर हमारा NC है और 4 नंबर हमारा NO है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पर, और ऐसे ही हम अगला चलते हैं, तो इसमें अगले कॉन्टैक्ट में 3 नंबर कॉमन है, ये देखिए ये उठ के गया है और ये इसके साथ शॉर्ट है, तो 3 नंबर और कॉमन हो गया, तो 7 नंबर इसका NC हो गया और 6 नंबर NO हो गया इसका, ये दूसरा हो गया कॉन्टैक्ट। अब तीसरे कॉन्टैक्ट की बात करें तो 11 नंबर हमारा कॉमन हो गया और इसके साथ ही जुड़ा है 8 नंबर, तो 8 नंबर हमारा NC हो गया इसका और 9 नंबर हमारा NO हो गया, तो ये 3 हमारे 3 कॉन्टैक्ट हो गए, तो ये ट्रिपल पोल हो गई हमारी,
ठीक है फ्रेंड्स, इस देखिए इसके हिसाब से आपको 11 पिन से क्लियर हो गया ट्रिपल। ऐसी मैंने फोर पोल की ड्राइंग नहीं बनाई है फ्रेंड्स, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि मेरे पास फोर पोल की रिले अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। इसमें भी कॉमन सी बात है, ये जैसे टर्मिनल हमने दिखाया इसमें 11 पॉइंट हैं तो उसमें 3 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे तो हमारी 14 पिन की रिले हो जाएगी। उसका मतलब वो फोर पोल की होगी और उसमें 4 कॉन्टैक्ट हम ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों इसमें, सिंगल एस पी, डी पी और डी पी और एफ पी, सिंगल डबल ट्रिपल और फोर पोल। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।